हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिव रमेश 99 आ गया हूँ आपके सामने। टुडे अबाउट डिस्कस द चाइनीज मदर सर्स, लाइक जो मेन बेस है उसके टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो जो भी मेरे यूट्यूब पे व्यूअर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। सो स्टार्ट डाउन, जो हम लोग एक फूड स्ट्रीट पे हम लोग सेजन सॉस बनाते हैं, मैं उस रेसिपी को शेयर कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट हम लोग लेंगे गार्लिक चॉप। ऑलमोस्ट सब लोगों को पता रहेगा कि गार्लिक क्या रहता है। देन उसके बाद हम लोग लेंगे जिंजर्स। देन उसके बाद लेंगे हम लोग चॉप चिली, ग्रीन चिल्ली। ऑलमोस्ट आप लोगों ने अच्छे स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में, होटल्स में देखा रहेगा कि हम लोग वहाँ पर ऑनियंस भी लेते हैं, देन सेलरी चॉप भी लेते हैं। ये सब मिलाने के बाद हम लोग सेजन सॉस बनाते हैं। बट जो एक फूड स्ट्रीट पे रहता है, मतलब एक चाइनीज हाथगाड़ी पे रहता है, वहाँ का मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे हाउ टू मेक अ स्ट्रीट फूड लाइक सेजन सॉस, सो प्लीज शेयर द रेसिपी। तो उसी टॉपिक के बारे में आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो देन ये इन्ग्रीडियंट्स लेंगे हमारे, इसमें मेन सॉसेज का खेल रहता है। देन सॉसेज जो इसमें चिल्ली सॉस, देन टोमेटो केचप जो रहता है, वो हम लोग जैसे रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं सैम्स का, चिंग्स का, लाइक वट एवर जो भी है हमारे सॉसेज, तो देन यहाँ पर यूज़ नहीं करते बिकॉज आई हैव अ वेरी कॉस्टली सॉस, तो हम लोग उसको यहाँ पर यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर ये लोग यूज़ क्या करते हैं कि जैसे लाइक एक बल्ब में कैन आता है, आप लोगों को ऑलमोस्ट पता रहेगा कि सेजन सॉस के कैंस रहते हैं, तो वो कैंस यूज़ करते हैं बिकॉज टेस्ट एज अ डिफरेंट, उससे टेस्ट डिफरेंट ही आता है, तो देन वो लोग यही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जैसे गार्लिक हमने ले लिया, ऑयल लिया कढ़ाई में, वाक में या टॉप में, आप लाइक कैसे बनाना चाहते हैं। तो ऑयल लेने के बाद आपको गार्लिक लेना है, जैसे ऑयल हीट हो गया, देन उसके बाद आपको गार्लिक लेना है। गार्लिक लेने के बाद आपको उसको अच्छे से फ्राई करना है। देन जैसे हम लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में गार्लिक, जिंजर, चॉप चिल्ली, ऑनियंस, देन सेलरी चॉप को अच्छे से रोस्ट करते हैं, कुक करते हैं, ऐसे यहाँ पर नहीं किया जाता। यहाँ पर ऑलमोस्ट सबको एक साथ बल्क में डाला जाता है, तो देन उसको अच्छे से वहाँ पर 5 से 10 मिनट कुक किया जाता है, बिकॉज ये सॉस का सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रहता, बिकॉज ये कम ऑयल की मात्रा में कुक किया जाता है, तो देन ये लोग कुकिंग का प्रोसेस ऐसे ही है, तो इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रहता, तो ये लोग फुल कुक नहीं करते। जैसे ये ऑयल, जिंजर, गार्लिक लिया इन लोगों ने एंड चॉप चिली लिया, देन उसके बाद ये लोग कुक करते हैं, और जैसे 5-10 मिनट हो गया, देन उसके बाद उसमें सॉसेस ऐड करते हैं। सॉसेस के नाम है रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप्स, ये दोनों ऐड करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स ये लोग वाटर डालते हैं। वाटर डालने से इनका जो सॉस का लेयर रहता है एकदम थिन हो जाता है, थिन मतलब पतला हो जाता है एकदम सॉस का, तो ये लोग ऐसे करके इसमें डालते हैं। और उसमें सीजनिंग, सॉल्ट, अजीनोमोटो, देन वाइट पेपर पाउडर, ये है। देन इन लोगों का एक मेन इंग्रेडिएंट्स है, सो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, कैबेज। जी हाँ, ये कैबेज ये लोग चॉप करते हैं, जो इसमें डालते हैं ताकि सॉस का एक लेयर बना रहे, थिकनेस लगे, और गेस्ट को, कस्टमर को खाते टाइम लगे नहीं कि खाली पानी है, लाइक पतला है, इसमें कुछ नहीं है, लाइक रेस्टोरेंट में एक अच्छा क्वालिटी का बनता है, ये गेस्ट ना सोचे, इसलिए ये लोग उसमें कैबेज डालते हैं। देन वो कुक होने के बाद वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद जैसे कुक हो जाता है उनका 5-10 मिनट बॉयल होने के बाद, उसमें वो लोग स्टार्च डालते हैं, कॉर्नफ्लोर डालते हैं। स्टार्च, कॉर्नफ्लोर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या रहता है, कैसे रहता है, उसको कैसे बनाना है। तो देन ये लोग उस कॉर्नफ्लोर को डालते हैं, देन कॉर्नफ्लोर से उसमें थिकनेस लाते हैं। थिकनेस मतलब जाड़ा एकदम, आप लोगों को पता रहेगा शेफ लोगों को, थिकनेस मतलब जाड़ा, तो उसके लिए लोग कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। देन उसके बाद इन लोगों का सेजन सॉस रेडी हो जाता है, जिसमें लोग कलर डाल के रेड कलर लाते हैं खाने में। तो आज ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं नए चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। एक और वीडियो में मिलेंगे, अगले नए वीडियो में, एक और नए रेसिपी के साथ में और नए वीडियो के साथ में।